राजा जी के पास पारस पत्थर रहिस है, जेकर खोज में अंग्रेज मन यहाँ तक आ रही है और यहाँ राजमहल में भी हमला कर। 56 ईस्वी पूर्व कब हो सकता है आप अनुमान लगा सकते? राजा को आकर आदेशित करते थे, आदेश देते थे। खड़ा हूँ यहाँ धमदा चौक में और यहाँ से हम आपको दिखाएंगे कि राजा बाड़ा किधर से जाता है, कहाँ से आपको टर्न करना है। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ, फ्रंट कैमरे से आपको दिखाता हूँ। यह है दुर्ग मार्ग। यदि आप दुर्ग की ओर से आते हैं धमदा मुख्य चौक से ठीक पहले दोस्तों आपको मिलेगा साई नाथ फ्यूल पेट्रोल पंप। सीधा जाएगी दोस्तों बेमेतरा, आपको साई फ्यूल के ठीक सामने से दोस्तों आपको लेफ्ट मुड़ जाना है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी आने में। यह है दोस्तों बेमेतरा रोड। यदि आप बेमेतरा से आते हैं, बेमेतरा से, तो आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा साईनाथ पेट्रोल पंप। ये जाएगी दुर्ग की ओर, तो आपको सीधे नहीं जाना है, साईनाथ पेट्रोल पंप के ठीक सामने राइट साइड मोड़ पर आपको मुड़ जाना है। यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे छोटा सा झोपड़ी में जहाँ होटल है वहाँ से आपको मुड़ जाना है दोस्तों। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आया हूँ दुर्ग जिले के छोटे से विकास खंड धमधा में, जहाँ पे दोस्तों बहुत ही प्राचीन काल राजमहल है जो 1856 ईस्वी पूर्व का प्राचीन राजमहल है। आप वीडियो में देखेंगे दोस्तों, ऐसा कहा जाता है यहाँ राजमहल के चारों तरफ तालाब था दोस्तों, परंतु अभी तालाब का कुछ ही हिस्सा बाकी रह गया है। बाकी जैसे जैसे यहाँ का क्षेत्र विकसित होता गया वैसे ही यहाँ को बंद कर दिया गया है। तो हम आपको आसपास का व्यू करवाएंगे, अगर तालाब का कुछ हिस्सा होगा तो वो भी दिखाएंगे। उससे पहले दोस्तों यहाँ के धमदा क्षेत्र के मूल निवासी हमारे दोस्त हैं जो हमसे रास्ते पे मिले थे, तो उनको हम साथ में ही लेके आ गए इस भवन राजमहल के बारे में जानने के लिए। तो चलिए उनसे ही जानते हैं इस राजमहल के बारे में कि इस राजमहल की विशेषता क्या है। हेलो भाई। राम राम संगवारी। ये यहाँ धमदा क्षेत्र के मूल निवासी हैं, तो ये बताएंगे हमको राजमहल की विशेषता कि क्या थी, इस बारे में पूरी जानकारी भाई देंगे हमको। आपका शुभ नाम भाई? मेरा नाम हेमंत कुमार यादव है और मैं देवझल के रहने वाला हूँ। मैं इसे सुनी हूँ अपन पूर्वज के सियान मन से, मतलब मोर सियान मन से सुनी हूँ कि ये धमदा के जो राजा रही से वो राजा की ये बाड़ा हरे, इखर चारों मुड़ा तरिया कोड़ा है वे, और राजा जी की निवास स्थल ये रही से जहाँ पे राजा जी निवास करत रही। इखर थोड़ा दूरी हमें महादेव जी के मूर्ति मंदिर है जहाँ के धमदा के राजा जी है पूजा पाठ करे पर जात रही से। ऐसे सुने में आ है कि यहाँ के राजा जी के पास पारस पत्थर रही से, जेकर खोज में अंग्रेज बन यहाँ तक आ रही है और यहाँ राजमहल में भी हमला करे गई रही से। राजमहल तो वैसे अभी ध्वस्त हो गए है, क्षतिग्रस्त है, फिर भी आज भी ओखर मन के जो अवशेष है वो आप मन के पाछों में दिखते छेवे। संगवारी हो, देखो, फैलाओ। और तो ये थी इस प्राचीन काल राजमहल की विशेषता। हम आपको राजमहल सामने से भी दिखाएंगे जहाँ से राजा अपने प्रजा को आदेश किया करते थे। मैं आपको फ्रंट कैमरे से आपको राजमहल का पूरा व्यू करवाऊंगा, आप वीडियो लास्ट तक देखेंगे। दोस्तों प्राचीन काल राजमहल, उसके चारों तरफ का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों ये तालाब का हिस्सा, यहाँ पे दोस्तों काफी ज्यादा मछलियां हैं तालाब में। बहुत बड़ी बड़ी मछलियां हैं दोस्तों, आप आएंगे गल पकड़ के भी आ सकते हैं अगर आपका टाइम पास फिशिंग। मैं आपको प्राचीन काल राजमहल का पूरा व्यू करवाऊंगा, चारों तरफ से आपको दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे से व्यू दिखा पाऊं। तो चलिए दोस्तों, ठीक सामने है
प्राचीन काल राजमहल का मुख्य द्वार आपको मैं अच्छे से दिखा पाऊंगा। यहाँ भी ताला लगा हुआ है दोस्तों, वरना हम आपको अंदर जाकर भी दिखाते कि अभी किस स्थिति में है यह राजा का राजमहल। परंतु दोस्तों हम आपको अभी बाहर से ही दिखाएंगे और चारों दिशाओं का व्यू करवाएंगे। दोस्तों ये सबसे पहले सामने का हिस्सा है जो हम आपको दिखा पा रहे हैं, तो सामने का हिस्सा है दोस्तों। अब हम आपको पीछे साइड का व्यू दिखाएंगे दोस्तों जाकर। दोस्तों 1856 ईस्वी पूर्व कब हो सकता है आप अनुमान लगा सकते हैं, और आज भी ये राजमहल किस स्थिति में है दोस्तों आप देख लीजिए। व्यूअर्स ये वो जगह है जहां से राजा अपनी प्रजा को आकर आदेशित करते थे, आदेश देते थे। दोस्तों अभी हम खड़े हैं धामधा के त्रिमूर्ति माया बूढ़ा देव मंदिर में। चलिए दोस्तों वहां जाते हैं, क्योंकि यहां राजा थे वो यहीं आकर पूजा करते थे। तो हम आपको लेकर जाते हैं और दिखाते हैं मंदिर का व्यू। दोस्तों ये है बूढ़ा देव मंदिर धमधागढ़। आप जो मंदिर देख रहे हैं वह है महामाया मंदिर जो अति प्राचीन है। इसी मंदिर पे धमधा के राजा अपनी पूजा करने आया करते थे। हम आपको चारों तरफ से मंदिर की परिक्रमा करके सभी तरफ का व्यू करवाते हैं। बहुत ही प्राचीन कहा जा सकता है दोस्तों 1856 का यह मंदिर, जब धमधा ब्लॉक में राजा अपनी प्रजा के साथ यहाँ निवास करते थे और इस मंदिर में प्रतिदिन पूजा करने आया करते थे। आप मंदिर की कलाकृति देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह मंदिर कितना प्राचीन कितना पुराना होगा। दोस्तों कलाकृति देखिए, प्राचीन काल महामाया मंदिर, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह कितनी पुरानी होगी। आप जो देख रहे वीडियो में वही है हमारी महामाया माँ, जिसके नाम से मंदिर रखी गई है, हमारी महामाया माता मंदिर। जय माता दी। दोस्तों मैं अभी खड़ा हूँ भूडेश्वर मंदिर में, जहाँ हमारे राजा पूजा करने आया करते थे। तो चलो हम आपको मंदिर का व्यू करवाते हैं सामने की ओर से और दिखाते हैं अभी किस स्थिति में है दोस्तों प्राचीन काल मंदिर सन 1856 ईस्वी का, और आज की स्थिति में करंट स्थिति में इसका व्यू आप देखेंगे कि किस स्थिति में है। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों वीडियो के माध्यम से। दोस्तों आप अभी जो देख रहे हैं वो है धमधा का महादेव मंदिर बूढ़ेश्वर देव, बहुत ही ज़्यादा प्राचीन काल मंदिर जहाँ पे यहाँ के राजा पूजा करने आया करते थे तब की और अब की स्थिति हम आपके सामने दिखा पा रहे हैं। हेलो दोस्तों, यदि आज का मेरा यह व्लॉग्स आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और हाँ दोस्तों, यदि आपके क्षेत्र ग्राम में भी यदि इस तरह का कुछ हो
जिसे मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से जन जन तक पहुंचा सकूं, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बतावे। धन्यवाद दोस्तों।